मेरा नाम अशरफ है और मेरा मार और हम सिब्लिंग्स। बिल्कुल भाई। तो यार लास्ट टाइम हम लोगों ने टीजर पे रिएक्ट किया था मिशन रानीगंज के, तो उस मूवी का ट्रेलर आ चुका है, तो आज उस पे रिएक्ट करने वाले हैं। तो इसमें अक्षय कुमार है जैसा कि आपको पता है भाई। हाँ भाई। और जिन जिनको नहीं पता कि इस मूवी में क्या होने वाला है, इस मूवी में यार एक माइन के अंदर यार पानी आ जाता है, उसके अंदर लोग फंस जाते हैं, फिर अक्षय कुमार आकर हेल्प करते हैं। तो ये एक रियल स्टोरी है। तो रिएक्ट करने वाले हैं मिशन रानीगंज मूवी ट्रेलर पर, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम से पहले क्यों लो? पानी फूट गया है। गांव वाले बहुत आक्रोश में हैं। अंडरक। ये जसवंत सिंह गिल, द रेस्क्यू ट्रेंड ऑफिसर। 65 माइनर्स अभी भी लापता। I don't think they could be alive. रह गए होंगे सबके सब। नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में। अरे हम लोग जिंदा हैं। क्या इन दोनों में से एक जगह को एंट्री पॉइंट बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल सर। पानी का फोर्स बहुत ज्यादा है। हमारे मदद कीजिए सर। मैनेजमेंट हर संभव प्रयास कर रहा है। कैसा प्रयास? ढूंढना ही होगा। हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं इन माइनर्स को बचाने के लिए। सर, I have a rescue plan. हमने सुना है नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। मरने नहीं चाहते चाचा। Make sure there is uninterrupted power supply in this area. गिल, ये जो टेक्निक है किसी रेस्क्यू मिशन में यूज हुआ? नो सर, भारत में पहली बार होगा। इस सरदार जी को उपस्थिति को हम बहुत ही लाइट ले रहे थे। ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मैं नीचे जाना चाहता हूँ सर। मेरे पति बाद में, पहले एक माइनर है। क्रेन आ तो जाएगी। धन गुरु नानक परमपिता, आज तो अडेस ने माने जय सिख लई इम्तिहान दी कड़ी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दी फतह। तो टीजर में बस इतना पता चला था कि अक्षय कुमार भाई इनको रेस्क्यू करेंगे, पर इस बार पता चला कि भाई किस तरह वो अपनी पूरी प्लानिंग करेंगे और कौन इनके खिलाफ होगा, कौन इनके साथ होगा। तो माइन पहले ही बहुत ही सफोकेटिंग होती है नीचे। हाँ। भाई बहुत ही कम ऑक्सीजन होता है, पता नहीं कैसे माइनर्स माइन करते हैं, और उल्टा पानी आ जाए तो भाई उसमें फिर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तो इस मूवी में भाई ये जो मूवी है ना, ये नेक्स्ट लेवल की होने वाली, पहली ऐसी मूवी होने वाली जो सर्वाइवल जॉनर में बनी है और रियल स्टोरी है, और हम लोग इतने इंटरेस्टेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। लोग पता नहीं कितने इंटरेस्टेड होंगे। आप लोग बताओ, आप लोग इंटरेस्टेड हो इस मूवी को देखने के लिए? कसम से यार, बाकी यार पानी का प्रेशर कितना था। हाँ, बहुत ज्यादा प्रेशर था। बाकी ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, तो इसमें पता चलेगा कि जो माइनर्स थे उन पे क्या गुजरी होगी। सही बात है। बाकी यार कैसे यार अक्षय कुमार ने हेल्प किया, ये सारी उसी बंदे पे जिन्होंने भाई रेस्क्यू किया। तो यार हमें कमेंट करके बताओ कि जिस बंदे का अक्षय कुमार कैरेक्टर वगैरह प्ले कर रहे हैं उस बंदे का नाम क्या है, कमेंट में जरूर बताओ। सही बात है। जाहिर सी बात है, नाम वही होगा जो इस मूवी में अक्षय कुमार का और होगा। उनकी यार डॉक्यूमेंट्री जरूर बनी होगी, उनके इंटरव्यूज भी जरूर होंगे। हाँ। तो वो भी हम देखना चाहेंगे। सही बात। बाकी गाइस बीच में ये भी बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनने शुरू हो गई थी, तो ये तो भाई और ज्यादा इनके लिए डेंजरस होगा। पता नहीं किस तरह सर्वाइव किया होगा। और जैसे कि दिखाया गया अक्षय कुमार खुद गए अंदर। हाँ। और इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी वगैरह, रेस्क्यू की टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप की और फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे थे। हाँ, इंडिया में। तो वो हम देखेंगे क्या टेक्नोलॉजी है। मजा आने वाला है देखने में। बाकी यार अक्षय कुमार तो हर बार हमें हैरान कर देते हैं, एक नई स्टोरी लेके आते हैं। हाँ। इसमें तो इन्होंने तबाही मचाई। सही बात है। तो गाइस हमें तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर आया तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।